चुनाव आयोग ने आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। जम्मू और कश्मीर में 90 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। यहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य में 10 साल बाद होने जा रहे चुनाव के बाद विधानसभा का कार्यकाल 6 की जगह 5 साल का होगा। वहीं हरियाणा के लिए भी चुनावी तारीखें घोषित कर दी गई हैं। 1 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर वोटिंग होगी। दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी सरकार चला रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस बार जनता का मन बदल गया है। हालांकि सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई अभी भी साफ साफ नजर आ रही है। एबीपी न्यूज से बातचीत में हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद कुमारी शैलजा ने दो टूक कहा कि चुनाव से पहले सीएम चेहरा तय नहीं होगा और इसका ऐलान चुनाव के बाद हाईकमान करेगा। सीएम का चेहरा मैम क्या पहले ऐलान होगा? सीएम का चेहरा, हाँ चेहरे देखो दावेदारी भी बहुत लोग कर सकते हैं और उनके सपोर्टर उनसे भी ज्यादा दावेदारी करते हैं और नारे भी लगाए जाते हैं, नारों से लोग खुश भी हो जाते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ चलती है। बाकी मुख्यमंत्री तो एक बनना है और हमारे यहाँ तो प्रथा है कि चुनाव के बाद हाईकमान फैसला करेगा। चुनाव में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा? कहाँ, जब विपक्ष में होते हैं तब कहाँ। तो जब आखिरी सवाल पूछ लूँ कि जब बाद में ही होगा तो क्या ये हो सकता है कि हरियाणा को इस बार महिला मुख्यमंत्री पहली बार इतिहास में मिल जाए? ये तो हाईकमान फैसला करे। महिला मुख्यमंत्री का विकल्प भी है? वही महिला आउट कैसे क्यों हो, जब आधी आबादी है तो आउट क्यों करें? देखिए जनता का फैसला भले ही 4 अक्टूबर को आएगा, लेकिन अभी से जीत की भविष्यवाणी शुरू हो गई है। हरियाणा का सियासी मिजाज क्या है, नेताओं की जुबान से समझिए। भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयां, हमारी पूर्ण तैयारी है। हमने 10 वर्षों में अगाध काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास की नई गति हरियाणा प्रदेश को बिना भेदभाव के हमने देने का काम किया है। वो दिन आ गया जिसका बड़ी बेसब्री से हर हरियाणा वासी इंतजार कर रहा था। जैसे किसान बारिश का इंतजार करता है, हरियाणा की जनता इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रही थी कि कब इस बीजेपी सरकार से छुटकारा पाने का मौका मिलेगा। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं, आम आदमी पार्टी सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।